नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत आज की खास खबरों के साथ। अयोध्या में होने वाली महाशिवरात्रि व रामनवमी को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी अनुज झा ने आज सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में महाशिवरात्रि व रामनवमी के मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर अधिकारियों से इनपुट लिया। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान के बड़े तनाव को लेकर अयोध्या में कड़ी सुरक्षा का इंतजाम करने की भी बात कही है। वहीं डीएम ने अयोध्या के प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ मंदिर और राम की पौड़ी का भी निरीक्षण किया। 4 तारीख को शिवरात्रि का त्यौहार है, उसके लिए 3 तारीख से यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो जाता है और 4 तारीख की सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग जो है यहाँ पे जलाभिषेक वगैरह करते हैं। तो उसको देखते हुए समस्त व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने के लिए और फिर 1 महीने बाद लगभग 5 अप्रैल से यहाँ पे रामनवमी का जो मेला यहाँ पे लगता है उसके दृष्टिगत सभी जितने भी विभाग हैं हमारे उनको अपनी व्यवस्था किस प्रकार से चुस्त दुरुस्त रखनी है ताकि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। देवानगर पंचायत में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। यहाँ पर सभासदों ने बताया कि बोर्ड की बैठक में सभासदों ने संविदा कर्मियों का ब्यूरो मांगा तो उन्हें 36 कर्मचारियों की जानकारी मिली, जबकि 48 लोगों का पैसा लिया जा रहा है। 7,500 रुपए प्रति माह 5 साल से लिया जा रहा है, जिसकी शिकायत बोर्ड के सदस्यों ने एडीएम से की। यदि उनकी जांच और मामले का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो मंगलवार से वे धरने पर बैठेंगे। 28 फरवरी को बोर्ड की मीटिंग थी। मीटिंग में हम सारे सभासदों ने संविदा कर्मियों की लिस्ट मांगी जी, जिसमें 48 लोगों का पैसा वो निकाल रहे हैं जी। और 36 लोगों को वो नौकरी पे रखे हैं ये बता रहे हैं, जैसा कि 36 को मैं नौकरी पे रखे हूँ परंतु 48 का पैसा निकल रहा है। 7,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 48 व्यक्तियों का पैसा निकल रहा है, ये लगभग 5 साल से निकल रहा है। बागपत के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह, सभा को संबोधित करते हुए 21 करोड़ रुपए की सड़कों का शिलान्यास किया। कहा, मोदी जी की नेतृत्व में देश सक्षम बने और हमारे गांव विकास हो। बागपत के रमाला थाने में एक नवविवाहित गर्भवती की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें, 1 वर्ष पहले ही शिवानी राहुल के साथ शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के चलते ससुराल वालों ने शिवानी की पीट पीट कर हत्या कर मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस शिवानी के परिजनों की शिकायत पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एटा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहा बदमाश आखिरकार पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। जी हां, मुखबिर की सूचना पर मरहरा पुलिस ने रतनपुर नहर पर घेराबंदी कर 25,000 के नामिया बदमाश सुशील उर्फ हिटलर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, सुशील के खिलाफ लूटपाट के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये बागवाला थाना क्षेत्र में एक गैंगस्टर एक्ट मुकदमा कायम हुआ था, इसमें सुशील उर्फ हिटलर ये इसके विरुद्ध अवांछित चल रहा था, 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। एटा के थाना रिजोर में एक युवक की गोली लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल एक शादी समारोह में शामिल होने गए एक युवक को कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी और घटना को अंजाम दे आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच में जुटी हुई है। जालौन के थाना उरई में एक महिला को गोली लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ अज्ञात लोगों ने एक युवती की हत्या कर दी और घटना को अंजाम दे आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी के थाना कैंट में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल देर रात चल रहे सीवर लाइन के कार्यों के दौरान ही अचानक सड़क धस जाने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला और साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन की सकुशल वतन वापसी पर पूरे देश में एक खुशी की लहर छाई हुई है। वाराणसी में भी लोगों ने होली के रंग अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर होली मनाते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। इतना ही नहीं बल्कि जिले के एक चाय विक्रेता ने भी अपनी दुकान पर निःशुल्क लोगों को चाय पिलाकर उत्साह मनाया।